दोस्तों, अक्सर ये आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि ज़्यादा घमंड ना दिखा, ये घमंड तेरा चुटकियों में टूट जाएगा। यानी कि ऊपर वाला अगर दे के देखता है तो वो लेके भी ज़रूर देखता है। वही सब हुआ बिग बॉस 15 के घर में, वीआईपी वर्सेस नॉन वीआईपी। इस टाइम का सेट से बहुत बड़ा खबर आप सभी से शेयर करने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड। दोस्तों, कल तक बिग बॉस 15 के घर में वीआईपी वर्सेस नॉन वीआईपी चल रहा था, जहां पर वीआईपी लोगों का नॉन वीआईपी के प्रति हद से ज्यादा एटीट्यूड हमें देखने को मिल रहा था। ये अक्सर हमने वाइल्ड कार्ड्स आने से पहले भी देख लिया था। तेजस्वी जिस तरह से अपना एग्रेशन या फिर अपना एटीट्यूड दिखाती हुई नजर आई थी, मगर अब बिग बॉस 15 के घर में भी वही सब हुआ। दरअसल टिकट टू फिनाले का बिग बॉस के घर में टास्क चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? यहां पर यूं चल रहा है ये टास्क कि इसमें से कुछ कंटेस्टेंट का सिलेक्शन किया जाएगा जो सीधे सीधे फिनाले वीक में जाने के काबिल हैं, यानी कि जाने के लायक रहने वाले हैं। और ऐसे में अब मेकर्स ने फैसला ये लिया है कि वीआईपी जोन अब बहुत हुआ, इसको अपग्रेड किया जाए। वीआईपी अब जोन हटा के सारे सदस्य नॉर्मली बराबर रहेंगे, यानी कि सभी एक समान सब सदस्य रहेंगे, कोई भी किसी को एटीट्यूड नहीं दिखाएगा। बट हाँ, जो टिकट टू फिनाले कटवाकर अपने कंटेस्टेंट टास्क को जीतकर जा चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ वो वहीं पर ही रहेंगे। मगर इस बीच भी एक बड़ा खबर होगा, कुछ क्राइटेरियाज होंगे, वो ये कि जो पावरें हैं वो पावरें उनको नहीं मिलने वाली, सिर्फ और सिर्फ फिनाले वीक के जाने के ही हकदार रहेंगे, नॉमिनेशन से सुरक्षित रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारी पावर्स मिल जाएंगी, जो कल तक सब वीआईपी के लिए चल रही थी सारी पावरें, काम ना करना, सब घर वालों को हुक्म चलाने, ये कर वो कर, इस तरह से एटीट्यूड दिखाना, ये सब खत्म हो जाएगा। सब कंटेस्टेंट इक्वल इक्वल, और जितने भी सारे ये टास्क जीतकर फाइनल वीक तक जाएंगे, सिर्फ वो ही फाइनल में फाइनल वीक में रहने के हकदार होंगे। इसके अलावा इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर के काम कारोबार नहीं करेंगे या फिर वो दूसरे को अपना एटीट्यूड दिखाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों, मेकर्स का डिसीजन के ऊपर आप कितना ज़्यादा सहमत है वो नीचे हमें कॉमेंट के लिख के जल्दी से बताइए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है।